नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, साल 2022 में दो सूर्य ग्रहण लगने वाले हैं और साल का पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को लगने जा रहा है। वहीं 30 अप्रैल को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी अपने शहर का, अपने ज़िले का जानना चाहते हैं कि आपके शहर में कब लग रहा है यह सूर्य ग्रहण, तो आप अपने ज़िले का या अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। तो मित्रों, ऐसे में 30 अप्रैल को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण बहुत ही घातक रहने वाला है। खास करके जो भी गर्भवती महिलाएँ हैं, उन सभी को बहुत ही सावधानी से रहने की ज़रूरत होगी। ऐसे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साल का पहला सूर्य ग्रहण कब लगेगा और किस राज्य में लगेगा, भारत में लगेगा या नहीं, और कौन कौन सी सावधानियां किस किस समय पर आप लोगों को करनी है, तो इन सभी के बारे में आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। मुझसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल जानकारी आपको समय से मिल सके। तो मित्रों, साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को लग रहा है। यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। वहीं दूसरा सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को लगेगा और यह भी आंशिक सूर्य ग्रहण ही रहने वाला है। साल का पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल की मध्य रात्रि 12:15 से शुरू होने वाला है, जो कि सुबह के 4:07 तक रहने वाला है। यह ग्रहण मेष राशि में लगेगा और यह भारत में भी कहीं कहीं दिखाई देगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसका सूतक काल जो है वो मान्य नहीं होगा। यह ग्रहण दक्षिण अमेरिका का दक्षिण पश्चिम भाग, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका और आर्कटिका में दिखाई देने वाला है। मित्रों, ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में तो पड़ता ही है, वहीं सूर्य ग्रहण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में सूर्य ग्रहण की स्थितियां शुभ नहीं मानी जाती। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को महत्वपूर्ण सावधानी बरतने की जरूरत होती है। अगर आप गर्भवती महिलाएं हैं तो आपको सुई, कैंची, नुकीली चीजों का उपयोग करने से बचने की जरूरत होगी। आप पेय पदार्थों का सेवन कर सकती हैं। आप किसी भी प्रकार का सब्जी या किचन का काम कोई भी ना करें। आप जल पी सकते हैं। आप फल फूल खा सकते हैं। वहीं अगर आप किसी भी प्रकार की कोई भी मन में चिंता न रखें, आप भगवान के ऊपर विश्वास रखें और आप गायत्री मंत्र का जाप करें या फिर आप सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप करें और आप इस समय भगवान पर ध्यान जरूर लगाएं।